सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा दामोदरपुर में बुधवार गुरुवार की बीती रात अपराधियों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति लूट कर चलते बने। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर रात 8-10 हथियार बंद अपराधी दामोदरपुर स्थित गुलेन मंडल नामक व्यक्ति के घर में खिड़की के ग्रिल को काट कर घुस गए। हथियार बंद नकाबपोश अपराधियों ने घर के 5 लोगों को बंधक बनाकर घर में रखे जेवरात और नगद लेकर चलते बने। बाद में गृह स्वामी ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। नकाबपोश अपराधियों द्वारा घनी आबादी में इस प्रकार के घटना को अंजाम देने की घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और वह किसी भी घटना को अंजाम देने से नहीं हिचक रहे। ना हम लोग सो रहे थे, सब कोई जी। मम्मी सो रही थी बाहर, जैसे ही कुछ आवाज आया मम्मी उठाई हम लोग को कि देखो कुछ आवाज आ रहा है रूम से। तो जैसे ही हम लोग उठे, उठ के देख रहे कि रूम पे लाइट जल रहा है, सब कोई हम लोग बाहर थे रूम पे लाइट, जैसे ही दरवाजे पे धक्का मारे तो देख रहे अंदर से लॉक है। तभी हम लोग को शक हुआ कि कोई अंदर है। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चढ़े क्योंकि रूम लॉक है, ऊपर चढ़े तो ऊपर से कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही शोर शराबा हुआ देख रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोग को। फिर बाद में पता चला कि लॉक तोड़ा हुआ था। चोर भाग गए थे उसमें से। कितना का संपत्ति लेकर? ज्यादा कुछ नहीं था, मतलब जैसे वो लोग इंटर किए हम लोग को पता चल गया है कुछ नहीं। एक कान का बाली था और एक सिटी गोल्ड जो हाथ कर रहा था ना वो सिटी गोल्ड का है, और एक कान का था बस, सोना का था। हाँ, सोना का, बाकी और कुछ नहीं था। क्या अमाउंट होगा? अमाउंट अब कान का हल्का था छोटा छोटा, और जो सिटी गोल्ड का हाथ का था इसमें अब क्या अमाउंट हम बता सकते हैं। 8-10 पुलिस को शिकायत की है? हाँ हाँ, 100 नंबर पे डायल किए थे, थाना वाला आए थे, वो भी देखे, वो थे 1 घंटा के आसपास यहाँ पे थे, देख के सारा कुछ देख के। खिड़की तोड़ करके घुसा था ना? हाँ, देख के तो लग रहा है खिड़की तोड़ के घुसा था, बाकी कंफर्म नहीं बता सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राकेश कुमार।